दोस्तों नया घर बनाने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि घर बनाने का लेबर रेट क्या चल रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भाई घर बनाने के प्रत्येक कार्य का लेबर रेट क्या चल रहा है। अभी मैंने आज ही पता किया, तो पूरा वीडियो देख लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि घर का कौन सा काम कराने में आपका कितना खर्च होगा, यानी कि लेबर पर कितना खर्च हो जाएगा। जैसे पूरा घर बनाने का टोटल लेबर रेट कितना चल रहा है, स्लैब ढलाई का कितना चल रहा है, पीओपी कराने वाले हो तो आपका कितना चल रहा है, पुट्टी कराने वाले हो, पेंट कराने वाले हो, ब्रिक वर्क यानी कि ईंट दीवार बनवाने वाले हो तो आपका कितना खर्च होगा, लेबर रेट आपको कितना देना चाहिए। इसी तरीके से टाइल्स का, ग्रेनाइट का और प्लास्टर कराने वाले हो तो लेबर रेट आपको कितना देना चाहिए, कितना इस समय 2024 में रेट चल रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हाउस कंस्ट्रक्शन रेट यानी कि पूरे घर को बनाने का क्या रेट चल रहा है, यदि हम इसकी बात करें तो पूरे घर को बनाकर स्लैब ढलाई करने का जो लेबर रेट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ठेका है, वो 130 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच चल रहा है, जिसमें पूरा घर बना दिया जाएगा, घर बनाने के बाद स्लैब की ढलाई कर दी जाएगी। सेकेंड, मान लीजिए कि आपको पूरा घर बनाकर प्लास्टर करना है, तो उस सिचुएशन में तो पूरा घर बनाकर यदि आपको प्लास्टर करना है तो 180 रुपए से लेकर 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरा घर बनाकर प्लास्टर करने का लेबर रेट चल रहा है, इतने में ठेका हो रहा है। बाकी फर्श और टाइल्स वगैरह आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई हो रही है और यहाँ पर स्लैब ढलाई का जो ठेका है वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है, कुछ लोग 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी ले रहे हैं। नेक्स्ट, यदि हम पीओपी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीलिंग में कुछ इस तरीके से पीओपी वाली डिजाइन बनाई जाती है। तो यदि आप इस तरीके की पीओपी डिजाइन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको 20 रुपए से लेकर 25 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट देना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मिस्त्री जो डिजाइन बना रहा है वो 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वर्क कर रहा है, बट यदि डिजाइन थोड़ा ज्यादा हुई या फिर आप कुछ अलग टाइप की डिजाइन बनाना चाहते हो जिसमें बहुत सारी डिजाइन बनानी पड़ी तो उस सिचुएशन में 25 रुपए पर स्क्वायर फीट भी रेट हो जाता है। नेक्स्ट, यदि हम पुट्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दीवार पर पुट्टी लगाई जाती है और पुट्टी लगाने का जो रेट है हमारे यहाँ वो कोई ठेका वगैरह नहीं चल रहा है, वो 500 रुपये पर दिहाड़ी के हिसाब से लेते हैं, यानी कि एक यदि पुट्टी लगाने वाला होगा वो दिन भर का 500 रुपये लेगा। नेक्स्ट, यदि हम पेंट की बात करें तो पेंट लगाने का भी आप ठेका वगैरह मत दीजिएगा, क्योंकि पेंट जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी किया जाता है, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग ठेका वगैरह नहीं देते, केवल और केवल 500 रुपये पर दिहाड़ी के हिसाब से पेंटर लेता है, 500 रुपये 600 रुपये, तो इसमें आपका ज़्यादा फायदा होगा। इसको आप स्क्वायर फीट वगैरह के हिसाब से ठेका मत दीजिएगा, इससे आपका बहुत ही घाटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम ब्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दीवार बनाई जाती है और दीवार बनाने का जो ठेका इस समय चल रहा है वो 18 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है और इसमें आपकी दीवार मापी जाएगी, जो दीवार बनेगी उसी को स्क्वायर फीट में माप कर पैसा लिया जाएगा, पूरा छत वगैरह नहीं मापा जाएगा। और यदि हम छत की बात करें, बहुत सारे लोग पूरे छत को माप कर ईंट चिनाई का पैसा लेते हैं, यानी कि छत को माप लेंगे और नीचे जितनी भी दीवार बननी होगी बना देंगे, तो छत को माप कर जो पैसा ले रहे हैं वो भाई साहब 60 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 65 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि 60 से 65 हज़ार लेंगे और 1,000 स्क्वायर फीट के नीचे जितनी दीवार होगी सभी बना देंगे, तो ये ठेका इस समय चल रहा है दीवार बनाने का, यदि कोई छत माप कर ले रहा है उस सिचुएशन में। नेक्स्ट, यदि हम टाइल्स वर्क की बात करें तो टाइल्स वर्क करने का जो ठेका है वो 14 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 16 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, जिसमें आपका फ्लोर एरिया मापा जाएगा, यानी कि जहाँ पर टाइल्स लगेगी उसको मापा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम ग्रेनाइट की बात करें तो हमारे एरिए में ग्रेनाइट लगाने का जो रेट है वो 90 रुपये पर रनिंग फीट से लेकर 110 रुपये पर रनिंग फीट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किचन में कुछ इस तरीके से जो ग्रेनाइट लगाई जाती है इसका जो रेट है वो 90 रुपये पर रनिंग फीट या फिर 110 रुपये पर रनिंग फीट ले रहे हैं, जिसमें आपका मोल्डिंग वगैरह करके लगाते हैं, ठीक है, पूरा फुल रेट है ये। नेक्स्ट, यदि हम प्लास्टर की बात करें, यदि आप नॉर्मल प्लास्टर करा रहे हैं, सिंगल कोट प्लास्टर है, तो उस सिचुएशन में प्लास्टर करने का जो रेट है वो 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और मान लीजिए आप डबल कोट प्लास्टर करा रहे हैं, जैसे कुछ इस तरीके से जो डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती है यहाँ पर डबल कोट प्लास्टर किया जाता है, जिसमें एक कोट पहले किया जाता है और जब एक कोट सूख जाता है तो दूसरे दिन जो है दूसरा कोट किया जाता है, तो ऐसे में भाई साहब डबल कोट प्लास्टर करने का जो रेट है वो 20 रुपये से लेकर
₹25 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनानी है, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्लास्टर की पट्टियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, या दीवार में बहुत ही ज़्यादा पट्टियाँ बनानी है, तो भाई सब ₹25 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे। क्योंकि ये पट्टियाँ बनाने में जितना ये सरल आपको दिख रहा है कि बस पट्टी बना दी गई, इसको बनाने में टाइम लगता है, धार सीधी करनी पड़ती है, कोर सीधी करनी पड़ती है, तो ऐसे में टाइम टेकन वाला ये वर्क हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में प्लास्टर करने का क्या रेट है, टाइल्स करने का क्या रेट है, और इसके साथ साथ पीओपी डिज़ाइन का क्या रेट है, और स्लैब ढलाई का और पूरा घर बनाने का क्या रेट चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अपने एरिया के साथ, प्लीज़ करिएगा। हम इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कौन कौन करता है। धन्यवाद, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।